भूल गई मैंने क्या कहना था। ओ जो बेहोशी हो रही है, बेहोश बाबे मुझे बचाओ, मैं बेहोश होने वाला हूँ। ओ माय गॉड, गर्मी इतनी है, मैं बेहोश होने वाली हूँ। सो व्यूअर, हम लोगों ने पूल पार्टी पे जाना था और सुना है कि पूल पार्टी कैंसिल हो गई है बिकॉज क्योंकि बारिशें शुरू हो गई हैं, और बारिशें इतनी ज़्यादा हो गई, गर्मी इतना गंद मच गया है, जिसकी वजह से जो है ना वो पूल पार्टी वो हमारी कैंसिल हो गई है। कैंसिल तो अब हो चुकी है, पूल पार्टी तो जाना नहीं है, लेकिन हम कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे ट्रिप के साथ। तो फिर हम अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना शाना खाएंगे, और कल हम लोगों ने खाया था चाउमीन, तो वो बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी था, और लेकिन इतना ज़्यादा मज़े का नहीं था। उसका भी रिव्यू आप लोग से शेयर करेंगे। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, के वीडियो क्या लेके आई हूँ मैं आज। सो व्यूअर, हम लोगों ने पूल पार्टी पे जाना था और सुना है कि पूल पार्टी कैंसिल हो गई है बिकॉज क्योंकि बारिशें शुरू हो गई हैं, और बारिशें इतनी ज़्यादा हो गई, गर्मी इतना गंद मच गया है, जिसकी वजह से जो है ना वो पूल पार्टी वो हमारी कैंसिल हो गई है। कैंसिल तो अब हो चुकी है, पूल पार्टी तो जाना नहीं है, लेकिन हम कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे ट्रिप के साथ। तो फिर हम अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना शाना खाएंगे, और कल हम लोगों ने खाया था चाउमीन, तो वो बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी था, और लेकिन इतना ज़्यादा मज़े का नहीं था। उसका भी रिव्यू आप लोग से शेयर करेंगे। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, के वीडियो क्या लेके आई हूँ मैं आज। फैमिली कैसे हैं लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और जो लोग ठीक नहीं हैं अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा याद करे, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और बड़ा मुश्किल टाइम गुजरता है जब घर में कोई बीमार होता है, और ख़ास तौर पे जब बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, यानी अलग सी हो जाती है, और माहौल भी ज़रा थोड़ा सा अनबैलेंस सा हो जाता है। खैर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और अल्लाह ताला सबको शफा दे बीमारी। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, और आज मैं लेके आई हूँ लेंस, ठीक है? और लेंस लेके आई हूँ मैं ग्रे कलर। आप लोगों को आज लेंस लगाना सिखाऊंगी कि आप लोग कैसे लेंस लगा सकते हैं। मतलब कि कई लोग होते हैं जो जिनको लेंस नहीं लगाने आते, वो आंख को बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और बहुत ज़्यादा आंखें कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लेंस है वो उनसे नहीं लग पाता। तो मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि लेंस आप लोगों ने कैसे लगाने हैं, और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी लेंस कैसे लगाने हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी कि प्लीज़ प्लीज़ हमें लेंस लगाना सिखाएं, क्योंकि न्यू जनरेशन को लेंस लगाना नहीं आते, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा हेसिटेशन उनको हो रही होती है कि उनसे लेंस नहीं लग पाते, लड़कों से भी नहीं लग पाते। तो खैर, अब हम मैं आज उनको लेंस लगाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने ये ज़रूर ख्याल रखना है राइट वाली साइड कौन सी है वो लेंस आपने राइट में ही लगाना है, और लेफ़्ट वाली साइड कौन सी है वो वाला लेंस आपने लेफ़्ट साइड पे ही लगाना है, ठीक है? लेंस का कोई मतलब कि ये नहीं होता कि सामने सॉरी भूल गई मैं, तो व्यूवर्स मैं आप लोगों को पहले लेफ्ट साइड से निकाल के लेंस दिखा देती हूँ। मेरा लेंस का जो शेड है वो ग्रे कलर का खरीदा है मैंने, डी ग्राउंड से लिए हैं ये लेंस। अगर आप लोगों ने भी वहाँ से लेने हैं तो उनका जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं अपनी वीडियो में शो कर दूंगी, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगी। तो मैंने ये लिए हैं बड़ी डी से लिए हैं, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे और बड़ी ईजीली मिल जाते हैं। और ये मैंने लिए हैं 5500 के लिए हैं मैंने लेंस, ठीक है? और वहाँ पे सस्ते वाले भी हैं और महंगे वाले भी हैं, अच्छा 1000-2000 वाली रेंज में भी लेंस हैं। तो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लिए थे ना तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था। तो अगर आप लेंस का ख्याल रखेंगे और सॉल्यूशन और उसका बदलते रहेंगे तो लेंस कभी भी ख़राब नहीं होते, और लेंस जो है वो आपके ठीक 1 साल तक गुजर जाते हैं। मेरे भी जो लास्ट टाइम मैंने जो सस्ते लिए थे वो मेरे 1 ईयर तक गुजर गया था टाइम।
लेकिन ये था उनका ये मसला था कि वो मुझे ना एक आंख से ना यहाँ एक आंख से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, तो वो शायद मैंने उन्हें ज़्यादा मतलब क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं की इस वजह से। लेकिन इस दफ़ा के जो लेंस हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा महंगे लिए हैं, और आप यकीन करें कि जब मैंने पहने होते हैं ना अपनी आँखों पर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने लेंस ही नहीं लगाए। तो इतनी मतलब के इतने स्मूथ हैं, इतने मतलब कंफर्टेबल हैं कि मैं तो मुझे तो मज़ा आ गया ये वाले लेंस इस्तेमाल करने में। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस लेंस से मतलब आप लोगों ने भी लेने हैं ये लेंस, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि कमेंट्स किया करें ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और भी इस तरह की आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। क्योंकि कमेंट्स करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमारा जो हौसला है वो और बढ़ जाता है, और मुझे इस टाइम आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोग ये DMs कर रहे हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमा लेती हैं, कितना ये वो, इस तरह के बहुत ज़्यादा फेक कमेंट्स आ रहे हैं, फेक न्यूज़ आ रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग YouTube से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरी जो YouTube है वो कुछ टाइम के लिए बैंड हुई हुई है, बिकॉज़ वो मेरी ही कुछ गलतियां हैं। और जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आप लोग मुझे कहते रहते थे बार बार कि आपकी पुरानी वीडियोस आ रही हैं, आप नई वीडियो नहीं अपलोड कर रही, तो वो इस वजह से जो है वो YouTube ने मुझे बैन किया हुआ है। काफ़ी टाइम गुजर चुका है इस बात को, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बात पे ना इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मेरे फॉलोअर जितने भी हैं वो मुझे देख रहे हैं ना, तो मुझे यही बस यही है कि वो मुझे देख तो रहे हैं ना, मुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं ना। तो मेरी जो यूट्यूब है वो कुछ देर के लिए बैंड हुई हुई है, लेकिन अब मुझे सस्पेंड कर दिया गया है इस वजह से, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती थी और पुरानी से पुरानी वीडियो ही लगाती रहती थी। तो इस वजह से ये क्या है यूट्यूब ने कि सिर्फ पुरानी वीडियो पर एक दफ़ा अगर आप लोगों को डॉलर मिल गया है तो आप लोगों को मिल चुका है। ये दिमाग पर रख लें बात कि पुरानी वीडियो में सिर्फ एक दफ़ा ही पैसे मिलते हैं, बार बार पैसे नहीं मिलते। खैर, मैंने अपना करियर कर लिया ख़राब इस चक्कर में, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो है, मैंने कभी ये भी सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ क्या ये यूट्यूब कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं मेरे जो फॉलोअर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं और जो कहते हैं कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, और उनकी वजह से ही मुझे हिम्मत मिली और मैंने कहा नहीं, मैं डेली जो है कुछ कुछ ना कुछ करती रहूँगी। तो खैर, ये जो मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो खैर ये जो यूट्यूब बैंड वाला सीन है ये भी शायद एक दिन ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसीलिए मैं आप लोगों कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को फैमिली में, हर दोस्तों में, हर जगह शेयर करें, ताकि मेरा जो है वो टाइम जो है वो जो मेरा टाइम जो दोबारा से शुरू हो गया है, टाइम वॉच होता है, एक लिमिट होती है, वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है, ताकि वो मैं जो टाइम पीरियड था वो अपना कम्प्लीट कर पाऊँ। क्योंकि आप लोग बाकी यूट्यूबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें तो सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल्स को बूस्ट पे लगाया होता है और उन्होंने और भी बड़े उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट किए होते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ यूट्यूब ही है और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट का बहुत 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 ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो खैर, अब मैं कुछ बातें थी वो भी आपके साथ शेयर करनी थी और वो भी मैं कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे इस टाइम, बिकॉज़ क्योंकि घर में एक तो टेंशन जो होती हैं वो हर एक के घर में होती हैं, तो वो घर में स्ट्रेस ले के ना इंसान की बस हो जाती है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा अपसेट भी थी मैं। खैर, तो आपसे डिस्कस किया है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है वो किसी दिन और करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने आपको लेंस लगाना सिखाना है। तो अब जल्दी से क्या कहते हैं, लेफ्ट वाला जो लेंस है वो ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने बिल्कुल अपनी जो मिडल वाली फिंगर है ना, इसको आपने ड्राई कर लेना, इसके सोल्यूशन आप लोगों की फिंगर में लगा ही ना हो, ठीक है। सोल्यूशन की वजह से जो है ना वो ये आपकी उंगली के साथ ही चिपकता रहेगा और वो आपकी आंख के अंदर नहीं जाएगा इजीली। आपने इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको अपने कॉर्नर पे फिंगर है, ठीक है, ये मैंने जैसे कि रख लिया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी आँख को इस तरह, ठीक है, खोल के रखना है, डेट सीट, ऐसे आपने अपनी आँख को खोलना है और ये आपने इसके अंदर फिट कर लेना। ओ शिट, मैंने आँख चबक दी है
इस वजह से नहीं लगा, तो आंख जो बकनी नहीं है होते ऐसे को होते ये देख। बस शायद मैं कैमरे की साथ लगा रही हूँ इसलिए मुझसे लग नहीं रहा है, ट्राई करते हैं शायद लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। और लग गया, लग गया, लग गया। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको, एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि मैंने लगाया ही ड्राई है ना, इस वजह से। ये देखिए लेंस लग चुके हैं हमारा, कितना प्रीटी लग रहा है। ये देखिए मेरी आंख कितनी छोटी लग रही है और लेंस वाली आंख देखें कितनी प्यारी लग रही है। वाह, ये मैं तो पहचान में ही नहीं आ रही कितना प्यारा लग रहा है लेंस। लेंस का कलर आप लोग देख सकते हैं, मैंने ग्रे शेड में ख़रीदा है, डार्क ग्रे शेड नहीं होती वो मैंने ली है, क्योंकि मैंने ग्रीन भी यूज़ किए और मैंने एक्वा भी ग्रीन जो थे वो भी यूज़ करके देखे, हेज़ल भी यूज़ करके देखा, मैंने सारे लेंस यूज़ करके देखे हैं हर कलर में। लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल था कि ग्रे भी मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं दोबारा ग्रे लूँ। तो एक आँख में हमारे लग चुका है, अब हमारे इस वाली आँख में लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा था, वैसे मैं एक मिनट भी नहीं लगाती कि मेरा लेंस लग जाता है, और मैं एक सेकंड से पहले लेंस को उतार भी लेती हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे कि अपनी फिंगर आप लोगों की ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। और आपने इसको कॉर्नर पे रखना है, और इसकी कोई साइड नहीं है कि आप, ये ट्रांसपेरेंट लेंस है, इसकी कोई नहीं है कि आप लोग कहेंगे ये सीधा वाला कौन सा है और उल्टे वाला कौन सा है, क्योंकि इसकी कोई साइड नहीं है लेंस की, कोई भी साइड नहीं है, किसी भी साइड से आप इसको लेंस को डाल सकते हो अपनी आँख में। वही चीज़ करेंगे इसको आराम से, एक सेकंड, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा ना, आप लोग वीडियो देखते रहें, और जो लोग वीडियो को देखने पहली दफ़ा आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। जी हाँ, हाँ जी, तो ये चीज़ वही चीज़ करेंगे, ये कॉर्नर पे रख लेंगे, एक सेकेंड, शिट, ये है आ रही है ना इसलिए नहीं लग रहा। आप लोगों के सामने जो लगा रही है नहीं लग रहा, मेरी फिंगर के साथ ही चिपक गया। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे जो है वो लेंस लग चुके हैं, लेकिन बस एक साइड से जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है इस वाली साइड से, और आंसू भी निकल रहे हैं। खैर, हम लोग के जो लेंस हैं वो लग चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो लेंस वाली। और ये वाली जो है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ना थोड़ी सी ना इरिटेशन हो रही है। महंगे वाले भी लेंस हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, शायद मेरी आंखों में ना ये लाइट जो आ रही है रिंग लाइट, जिसकी वजह से ना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड, और क्योंकि मुझे अभी और भी बड़े से काम हैं, वो काम भी लपेटने हैं, कुछ करने हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।